brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का बूथ क्रमांक 85 है। ग्राम रामपुरिया पंचायत का ये बूथ क्रमांक 85 है, जिसमें यहाँ जो मतदाता की लाइन आप देख सकते हैं, कतार लंबी लंबी, जो मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को, कहूंगा कि वो कतार दिखाए मतदाताओं की, कितनी लंबी कतार है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 500 मीटर से ज़्यादा की लंबी कतार है, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे पहले से ये लाइन लगना शुरू हो गई थी मतदाताओं की, और मतदाता यहाँ पर सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर अपने मत का उपयोग करने के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ कुछ महिलाएं जो खड़ी हैं, इन महिलाओं से बात करेंगे कि वो कितनी बजे आई थी और क्या क्या सोचती हैं मतदान। भाई कितनी बजे आया था? 6 बजे आया था। 5 बजे कुछ भी आया था ना? हाँ 5 बजे आए। 5 बजे आया था। कहीं काम रहो आप? मोड़ी पर। अच्छा, वोट काय के लिए आया हो यहाँ? वोट है। दोगा आज काम धंधा फिर बंद? काम धंधा बंद है आज तो। अच्छा, ये थी महिलाएं और हम भी, और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। भाई आप बताओ कितनी बजे आ गए थे? 5 बजे आ गया था। 5 बजे आ गए थे आप? हाँ। अच्छा, तब मतदान शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, फिर इंतजार करना पड़ा? कितना इंतजार करना पड़ा? करो क्या? हाँ। अच्छा, आप बोलो। बोल गया हूँ। कितनी बजे आए थे आप? 5 बजे। 5 बजे कहीं काम रहो आप? पाटड़ी। पाटड़ी रहो। पैदल आया कि कोई लेवा आया? तो पैदल आया। कौन लेवा आया? पैदल आया। तो काय के लिए आए यहाँ? क्या रहा, सरकार ने जिताड़वा। सरकार ने जिताड़वा। दादी आप सरकार को जिताड़ोगा? हाँ जिताड़ोगा। वोट देवोगा? हाँ वोट देवा। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हो? नारायण लोग आए हैं। सब लोग आए? हाँ सब लोग। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी है, ये बैठी हैं। काय के लिए बैठे हो आप? बताओ। कितनी देर हो गई बैठे हुए आपको? बोलो। कंठो देखो जज। कंठो कोई होगा? घंटा भर हो गया। तो कितने बजे आ गए थे? 7-8। हाँ 7 बजे ना भी जाना। और क्या? अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो 5 बजे भी आई है और सुबह 6 बजे भी आई हैं और 7 बजे भी आई हैं। अब यहाँ कुछ जो पुरुष मतदाता हैं उन लोगों से बात करेंगे। दादा राम राम। दादा यहाँ लाइन में लगे हो कितनी देर हो गई आपको? बहुत देर हो गई यार। कितनी बजे आ गए थे आप? मैं तो 8 बजे आ गया था। तो कितना समय हो गया, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया आपको? हो गया 2-3 घंटा। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा, वोट करने जा रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो आप लोग? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। नहीं आप है? वोट देंगे तो सोचा तो होगा कि सरकार के हैं? 2 मिनट आप। हाँ आप बताओ क्या कहेंगे? सर सुविधा के लिए वोट देने के लिए आए। रोड नहीं है गाँव में, तो इसलिए क्या है कि सुविधा हो जाएगा, इसलिए वोट देने के लिए आए हम। अच्छा, तो आप कितनी देर पहले आ गए यहाँ? यहाँ साहब आ गए हम 6 बजे का। 6 बजे से खड़े हो? हाँ। नंबर नहीं आया अभी तक? नंबर नहीं आया। नंबर तो अभी 40 आदमी आ गए और 40 नंबर बाद आएगा हमारा नंबर। अच्छा, आपके साथ गांव के और भी लोग आए होंगे? हाँ है ना साहब। अच्छा दादा आप बताओ। भैया दादा बताओ, वोट करने आए हो ना आप? हाँ बताओ कितनी बजे आ गए थे? 6 बजे। 6 बजे आ गए थे तो नंबर नहीं आया अभी तक? नंबर कहाँ है यार अभी तक, ठेठ वहाँ से धूप में खड़े रहते रहते यहाँ आ गया। अच्छा, तो अपने व्हीकल से आए हो या कोई लेके आया आप लोगों को? अपने सब से आए। अपने साधन से आए? हाँ। यहाँ पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था है सब? पानी की तो है, पानी की। अच्छा दादा ये बताओ कौन ये, दादा ये आप लोगों से बात कर रहे हैं, दादा आप बोलोगे? हाँ ये लो लो लो, आपसे बात कर लेते हैं। दादा बताओ, वोट करने आए हो? हाँ। किस क्या है उद्देश्य वोट करने के पीछे, क्या मकसद है आपका? सर वोट सब लगाते हैं, लगा देंगे सर। गांव की समस्या वगैरह है सब? हाँ ठीक है ना, आधी सैलरी है, ऐसा है समस्या, सब तरक्की है सर। अच्छा। आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, ऐसा हाँ। हो रहा है। चलो सब पूरा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। हाँ। हम और भी यहाँ देखते हैं कुछ लोगों से। भैया आप युवा मतदाता हो जी, है ना, वोट करने आए, क्या
क्या सोच के हम ये सोच के आए हमारी धरातल पर कई समस्या है, उसका कोई अच्छी सरकार बन जाए तो कोई भी मतलब जो धरातल समस्या हमारी ग्रामीण लोगों को आ रही है वो समस्या मतलब समाधान हो सके, उसी को सोच के हम वोट देने आए। अच्छा, क्या समस्याएं क्या क्या है और कुछ विकास हुआ कि नहीं आपके गांव? हमारे गांव में अभी तक तो कोई रोड निर्माण ही नहीं हुआ, नल बूथ की भी सेवा नहीं हो पाई, जल की कोई भी सेवा नहीं आई अभी तक तो। अच्छा, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? यही हमारी सरकार आने वाली है तो देख ही नहीं रही कुछ ग्रामीण वालों की क्या समस्या है। अच्छा, ये तो कोई देख ही नहीं रही, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है और बोरिंग वोरिंग कब से है बहुत है वो पानी की थे मतलब, और गाय यो बकरा सब तरे मरे, मतलब तालाब से पानी पीना पड़ता है आप लोग? नहीं, वो बोरिंग वोरिंग लगाए दे, साफ थे पानी पिएगे, ऑल ऑल लगाई दे बोरिंग तो डाना ओद भी नहीं है हमारा गांव में, पानी बहुत समस्या है। सरकार ने गांव में नल जल योजना शुरू की थी, आपके गांव में ये योजना आई? आधे हुई ना, आधे हुई नहीं। हम इस तरफ भी कुछ मतदाता खड़े हैं, मतदाता भी भाई वोट देने आए हो आप जी, किस क्या मकसद से आए, क्या अभी देश क्या आपका आए तो है देश बदले, कुछ विकास हो उसका देश का, हाँ इसलिए आए वोट देने, ये मेरा फर्स्ट पहली बार आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था सुबह जब चुनाव हुए थे, चुनाव शुरू हुए थे पहली बार मतदान करेंगे तो कैसा फील करेंगे आप? अच्छा फील करेंगे, लगभग 8 बजे के आए हम और वहाँ से यहीं आए अभी तक तो। अच्छा अच्छा लग रहा है। और ये बोलेगा दादा आप बताओ क्या सर, क्या आप मतदान करने यहाँ आए हो, क्या मकसद लेके आए हो, क्या है? कहीं सर सरकार चुनेंगे और कुछ अच्छा होगा हमारे बारे में, जो बेरोजगार युवा उनको नौकरियां मिलेगी, सही सोच के आए हैं। और ये मतलब उत्साह है कि पहली बार वोट देंगे हम सांसद का, विधायक का दिया था हमने। अच्छा, सांसद का पहली बार देंगे, सांसद का पहली बार देंगे। हाँ, सांसद के किस तरह का चुनना चाहोगे आप? सर जो हमारे काम आए, जो हमारा काम करे, हमारी बातें सुने, आगे तक ले जाए, बस ऐसा है। ये थे कुछ ग्रामीण मतदाता जिनसे हमने बात की।